मेरी एक असेसमेंट थी जो मैंने बोल दी, और मैं इसीलिए 100% श्योर हूं कि आप इम्मी खान को बीट नहीं कर सकते। मैं लिख के देने आपको को तैयार। बहुत अच्छा अच्छे लगते हैं वो। नहीं, अच्छा लगना नहीं है, मुझे खौफ आता है। You have faith in हाँ, मुझे खौफ आता है जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं ना, क्योंकि हमने करके देख लिया क्रिकेट में, करके देख लिया, और 92 वर्ल्ड कप से ज्यादा एग्जाम्पल किसी के है नहीं, क्योंकि हम हार रहे थे, एक इंसान कह रहा था कि हम जीतेंगे क्योंकि मेरा हॉस्पिटल बनना है। फिर हम आते थे कि कोई बात नहीं है, हम जीतेंगे, फिक्र ही ना करो, फिक्र ही ना करो, जीतेंगे जीतेंगे, जैसे कि अभी पॉलिटिकल टोन है उनकी कि फिक्र ही ना करो, पाकिस्तान में ठीक करके दूंगा। एंड में फिर हमने सोचा कि आई थिंक आई बिलीव दैट वो हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपसे मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये जितनी पॉलिटिकल आप जो मर्जी एनालिसिस कर लें कि पाकिस्तान इस वक्त महंगाई है जी, ये चीखें निकल गई, फलाना हो गया, फलाना हो गया, मेरे आप वर्ड्स मार्क कर लें, और ये प्रोफेसी है एक तरह से, ही विल सक्सीड, ही इज बाउंड टू सक्सीड। आप जो मर्जी कर लें इस इंसान का, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ये आपको 1000 में से 1000 दफा गलत प्रूव करेगा, जस्ट बिकॉज एक तो नियत का साफ है और दूसरा हार्ड वर्किंग है एंड बला की इंटेलिजेंस है इनमें। ये अगर तीनों इकट्ठे हो जाएं तो फिर रोकना मुश्किल है। फिर इमरान खान के नीचे आपने अगर 8 साल टाइम बताया तो आपको वो रॉक सॉलिड कर देता है। ये सारी व्हाट वाज ही, आप लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि वो रॉक सॉलिड, वो क्या क्या करते थे या क्या कहते थे? उससे बड़ा लीडर कोई पैदा नहीं हुआ, रियली सीरियसली, यानी कि सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग, डेड ऑनेस्ट, और टीम को सबसे सामने रख के, इसलिए कि लोग कहते हैं ना कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये कंट्री है, एग्जैक्टली आप वही रूल फॉलो कर सकते हैं जो आपने क्रिकेट में किया, क्योंकि ये आपको तगड़ा करती है, डिफीट से आप सीखते हैं और खड़े होते हैं। और जब हम ओथ सेरेमनी में गए थे, जब प्राइम मिनिस्टर का इन्होंने ओहदा लिया था, तो हमारे साथ एक स्पेशल मीटिंग की थी एक कमरे में क्रिकेटर्स के साथ, तो मेरा पहला ही सवाल था, मैंने कहा कि कैसे मैनेज किया, कहते असल में बात यह है कि ये जो बाकी के पॉलिटिशियंस हैं ना, इन्होंने हार कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी, जब इनका टाइम नीचे गया, ये लड़खड़ा गया, इनको समझ नहीं आती थी अब क्या करें। कहते मैं तो क्रिकेट खेला हुआ था तो मुझे तो पता था कि परसिस्टेंस और परसिवियरेंस से आप खड़े हो जाएंगे। और तो वो हार्डशिप्स जो थी, वो मैंने, मुझे इतना फायदा हुआ क्रिकेट का कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उसमें फिर मैन टू मैन मैनेजमेंट है, फिर ओवरऑल आपको एक ब्रीफ देना कि किस तरह से मैच जीतने, ऑपोजिशन को रीड करना और फिर मेहनत करना। अभी भी आप पूछें हायर अप से, एक दफ़ा मेरी वैसे ही हुई थी आर्मी के, तो वो कह रहे थे इससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को नहीं मिला। ये मैं आपको बिल्कुल फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ बता रहा हूँ। पहली दफ़ा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रेवल बहुत करता हूँ, इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से हम यहाँ से यहाँ खड़े हो गए, क्योंकि जो मोदी का हाल हुआ है वर्सेज इमरान, वो तो हैंड्स डाउन इमरान खान बैटल जीत गया। तो ये आप दुबई में टैक्सी वाले से पूछें कि अब वो अरब्स उनको इज्जत की नजर से देखते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको एग्जांपल्स पता चलती हैं, पाकिस्तान का नाम लेते हुए आपको अब इज्जत महसूस होती है, इसलिए कि हमें पता है कि एक जो टॉप पे बैठा हुआ है वो हमें संभाल लेगा, हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक आम से बंदे के पास है जो हमारी तरह की सोच रखता है। शायद जब मैंने पहली बात की इमरान खान से, जब ओथ सेरेमनी में, सारे चुप करके बैठे थे, घबराए हुए थे, तो मैंने कहा अच्छा इमरान भाई, मेरी असेसमेंट आपके बारे में फॉलोइंग है कि आप इतने लकी इंसान हैं कि आप बेशक गलतियां करते रहे, दूसरे इतनी आपसे बड़ी बोंगियां मारते हैं कि आप फिर रिसर्फेस हो जाते हैं। आपकी एग्जैक्टली मैं एक चीज आपसे नहीं वो करा, मैंने कहा आप असल में आपकी लक जो है ना यहां से शुरू होती है और यहां तक जाती है। तो खैर उसके हाथ में तस्बीह थी, सुना, सब ने सुना, पिन ड्रॉप साइलेंस, कहते हैं लक नहीं ऊपर वाला। मैंने कहा हाँ ऊपर वाला।